Hi friend, welcome to the Best English Classes. इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश के बारे में इंग्लिश जितने भी कंपटीशन में जितने भी टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर का पूछा जाता है सबसे पहले उसको कवर करेंगे और इसमें फुल सिलेबस कवर किया जाएगा और हाईली सिस्टमेटिक मैनर में किया जाएगा। पूरी तरह से वन बाय वन हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सारा चीज़ सॉल्व करेंगे। ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं ये SSC CGL IBPS PO IBPS क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और बाकी सारे कंपटीशन जैसे NABARD है, CDS है, GATE है, DMRC है, NDA है और भी जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम है उसमें भी ये इंग्लिश ग्रामर का जो भी पोर्शन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और हम जो ये पढ़ा रहे हैं ये ए मिरर ऑफ कॉमन एरर नामक बुक है जो कि इमिनेंट प्रोफेसर है श्री अशोक कुमार सिंह का, इससे मैं स्पेशल थैंक्स उसको देना चाहूँगा। इन्होंने हाईली सिस्टमेटिक मैनर में सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया है और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि जो भी लोग SSC CGL टायर 2 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को परचेज करें, इसको पढ़ें, इसको समझने का कोशिश करें और इस लेक्चर को भी देखें। इस लेक्चर को देखने के बाद जो है आपको इस बुक को समझने में और ही आसानी हो जाएगी। तो हम लोग आज जो है अपने इस सीरीज का सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज आर्टिकल से। हर कोई जो है आर्टिकल के बारे में कुछ ना कुछ आप लोग पढ़े हुए हैं, पहले से ही आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं पहले से भी, लेकिन हम जो है इसमें थोड़ा सा ये अलग करेंगे कि इसको काफ़ी सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे और फुल इसको कवर करने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद एक और लेक्चर बनाएंगे आर्टिकल पर जिसमें कि हम लोग प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करेंगे। तो तीन आर्टिकल के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीन आर्टिकल होता है ए, एन और दी। तो इसमें जो है इस तीन आर्टिकल में ये जो फर्स्ट टू आर्टिकल है ए और एन, इसको जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और दी को जो है डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब ये इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में क्या अंतर है? तो इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ये आर्टिकल नाउन के पहले यूज होता है। कोई भी नाउन है, नाउन के पहले जो है हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो नाउन के पहले इनडेफिनिट का मतलब बोध कराता है और ये जो है कोई डेफिनिट आर्टिकल जो है डेफिनिट का बोध कराता है। जैसे हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, पहले ए बेगर हैज स्टॉलन योर शर्ट, एक भिखारी है जिसने कि शर्ट चुरा लिया, ए बेगर। अब ये जो एक भिखारी है या कोई भी भिखारी है मतलब इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, यानी कि ये कोई भी भिखारी हो सकता है। तो इसके आगे जो है ए जो लग के ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स बना दिया इसके आगे। लेकिन अगर जो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, ये वही घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो दिस इज द हाउस, ये जो द लग के जो है इस हाउस को स्पेसिफाई कर दिया कि यही एक पर्टिकुलर वही हाउस है जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं। तो ये द जो है क्या है, एक डेफिनिट आर्टिकल, ये डेफिनिट बना दिया। इसमें ए बेगर क्या था, कोई भी बेगर था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, एक भिखारी था या कोई भी एक भिखारी था जिसने कि उसके शर्ट चुरा ली, उस भिखारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी हमारे पास। तो ये ए और एन जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये इनडेफिनिट का बोध कराता है
मतलब कोई निश्चित नहीं है इसका, लेकिन डेफिनेट जो है निश्चित करता है कि ये वही घर है जिसमें कि मैं रहता हूँ, दिस इज द हाउस, मतलब ये डेफिनेट को बोध करा रहा है। तो इस तरह से ये दो तरह के आर्टिकल्स हैं, और हम लोग जो अब ये इसको ए एंड डी का जो बारे में यूज के बारे में पढ़ेंगे, और सारा जो सीक्वेंस हम क्या फॉलो करेंगे पहले उसको लिखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं सिस्टमेटिक वे में से अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो जो हमारा सीक्वेंस होगा पढ़ाने का, वो सीक्वेंस होगा सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाएंगे, यूज ऑफ ए और एन का यूज पढ़ाएंगे। दूसरा हम करेंगे सम आइडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए और एन का करेंगे, आइडियोमेटिक यूजेज ए और एन का। तीसरा हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन का बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे, और फोर्थ हम लोग करेंगे यूज ऑफ द का यूज देखेंगे, और फिफ्थ में देखेंगे हम लोग सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द, सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द। सिक्स देखेंगे हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि कहाँ पे हमें हम गलती करते हैं, हमसे चूक हो जाती है आर्टिकल्स को यूज करने में, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी वहाँ आर्टिकल्स का यूज नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोग गलती से वहाँ पे यूज कर देते हैं। और जो लास्ट होगा वो हम लोगों का होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द आर्टिकल। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ ए और एन का करेंगे, फिर सम इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन करेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन ए और एन के बीच में डिफरेंस देखेंगे उसमें, फिर यूज ऑफ द पढ़ेंगे, फिर सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द पढ़ेंगे, फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द आर्टिकल। हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है फर्स्ट जो सिक्स है इसको, ये थ्योरी पार्ट है, और इसके साथ भी प्रॉब्लम करेंगे, थ्योरी बताएंगे फिर प्रॉब्लम करेंगे, ये एक लेक्चर में हम सोचेंगे कि कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें, और बाकी एक लेक्चर में हम लोग पूरा जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द आर्टिकल पे बनाएंगे। तो टोटल दो लेक्चर में इस आर्टिकल चैप्टर को अच्छे से हम लोग SSC CGL के लिए, IBPS PO के लिए, IBPS कलर के लिए अच्छे से इसको कवर करेंगे ढंग से। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल के बारे में एक बेसिक सा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि आर्टिकल तीन होता है, ए एन डी, जिसमें कि ए और एन जो आर्टिकल होता है वो एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, और जो द है वो एक डेफिनिट आर्टिकल है। तो हम लोग सबसे पहला यूज ऑफ ए और एन का यूज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो ए और एन का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी ये अगर जहाँ ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसको कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, और उसका वो जो है सिंगुलर फॉर्म में हो, मतलब ऐसा नाउन जिसको हम पहले काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल हो, उसको काउंट कर पा रहे हैं, और ऊपर से वो सिंगुलर फॉर्म में हो, जैसे कि पेन है। तो पेन क्या है, एक नाउन है, ऊपर से हम पेन को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये एक काउंटेबल नाउन है, और ये किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। अगर यही पेन जो है पेंस रहता तो ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इस केस में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के केस में हम लोग आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग यहाँ पे ए या एन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे मोहन इज ए सिंगर, मोहन इज ए सिंगर, तो यहाँ सिंगर क्या है, यहाँ देखिए ए का प्रयोग किए हैं, ये सिंगर जो है ये देखिए ये है, और ये सिंगर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है,
सिंगर को गिन सकते हैं ना, एक सिंगर, दो सिंगर, तीन सिंगर, कितने सिंगर हैं मतलब आए हुए हैं, तो उतना मतलब गिन सकते हैं। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हुए हैं। उसी तरह दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। एप्पल क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग किए हैं। तो ए और एन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो इस पे जो है किस तरह से कंपटीशन में एरर के लिए के रूप में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा वो भी हम लोग देखते हैं अभी। इस पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका देखिए सवाल इस तरह से रहेगा, रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस नो एरर। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी है, ये डी है, और ये ई मतलब नो एरर रहेगा। तो ये तो यहाँ देखिए पहले तो ऐसे देखा जाए इस वाक्य में अगर एरर पता करने के लिए किया जाए, तो यहाँ पे देखिए लोग कैसे देखना, हम लोग कैसे देखना चालू करते हैं। तो यहाँ प्रीफर्स है, प्रीफर्स के बाद टू आता है, तो यहाँ टू है ही, मतलब इसमें तो कोई गलती अभी नहीं पता चल रहा है। अब देखते हैं रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब, यानी जॉब क्या गिनती कर सकते हैं आप, आपने कितने जॉब छोड़ा, कितने जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं या कितने जॉब आप कर रहे हैं। तो ये जॉब जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जॉब क्या है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि इस सेंटेंस में एक ए का प्रयोग यहाँ पे जॉब के पहले नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे सी पार्ट में गलती है, सी पार्ट में रॉन्ग है, और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा जॉब को रिप्लेस करके यहाँ पे होगा ए जॉब, तब जाके इसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो जॉब क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या होता है ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। एक और उदाहरण लेते हैं इसमें जल्दी से, दूसरा एक और उदाहरण देते हैं, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेलाज नो एरर। अब इस वाक्य को देखते हैं, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी है, ये डी है, ई पार्ट है, ठीक। इसमें देखते हैं कि इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेला, मतलब ये रेनी का दिन है और ज्यादातर जो लोग हैं जो गली में निकल रहे हैं वो अम्ब्रेला लेकर गए। यहाँ देखिए अम्ब्रेलाज है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये काउंटेबल नाउन है और नाउन है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल हो गया तो इसके आगे तो नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे डे देखते हैं, इट बीइंग ए रेनी डे, यहाँ डे देखते हैं, अगर डे जो है एक काउंटेबल नाउन है और ये जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसा कि रूल अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके आगे ए और एन का प्रयोग, चूंकि यहाँ पे जो रेनी है, रेनी एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, मानी कि उस दिन का विशेषता बता रहा है, वो दिन जो है कैसा दिन है तो बरसात का दिन है, तो एडजेक्टिव रेनी जो है इसका एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले जो है लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे जस्ट इसके बाद ना लगा के एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे, तो इट बीइंग ए रेनी डे होगा यहाँ पे, इट बीइंग ए रेनी डे होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। तो इस तरह से करके हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे देख सकते हैं। अब सम
आइडियोमेटिक, इसमें और भी सारा अगर जब प्रॉब्लम देखा जाए तो एक एक करके और भी बहुत सारा प्रॉब्लम इस पे बनता है, इस तरह का आप प्रॉब्लम देख सकते हैं बहुत सारा। अभी हम लोग यूज ऑफ ए और एन पढ़ रहे हैं, इसमें जैसे कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, दो प्रॉब्लम और लेते हैं, जैसे समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, नो एरर। तो इस वाक्य को अगर देखें तो किस पार्ट में गलती है, समन्स वाज सर्व ऑन राम, नो एरर। इस बार वाक्य में अगर देखते हैं समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है बुलावा या आह्वान होता है, आह्वान करना या बुलावा पत्र बोल सकते हैं आप, इस तरह का चीज होता है। तो ये जो होता है ना समन्स, समन्स जो है एक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समन्स क्या है, समन्स जो है एक बुलावा पत्र है, या इस तरह से कह सकते हो आह्वान पत्र है, बुलावा पत्र है। तो ये समन्स क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए समन होगा, ए समन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ क्या गलती था, इस यहाँ पे गलती था, यहाँ पे इसके आगे ए लगना चाहिए था। तो ए समन वाज सर्व्ड ऑन राम, ऐसा होता। एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन वे समवाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स, और ये नो एरर। तो अगर इस वाक्य को देखा जाए तो लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन वे समवाट सिमिलर टू द रेडियो वेव्स। इस वाक्य में लेजर बीम जो है, जिस तरह से रेडियो वेव बहुत दूर तक अपने सिग्नल को कैरी कर सकता है, वैसे ही रेडियो वेव की तरह ही लेजर वेव भी सिग्नल को कैरी करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वे जो है, वे मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो वेव जो होता है बहुत सारा रास्ता हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है, दो रास्ता हो सकता है। तो ये इस तरह बहुत सारा, ये तो एक क्या है, काउंटेबल नाउन है पहला, दूसरा नंबर ये नाउन है, दूसरा नंबर काउंटेबल नाउन है, और तीसरा ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो इसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन ए वे होगा, यहाँ पे ए मिस हुआ है, तो इन ए वे होगा। तो इस तरह से करके हम लोग देख सकते हैं। अब दूसरा पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जिसमें कि पहले बताया कि इसमें सेकेंड पार्ट में जो है, इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग यूज करेंगे आइडियोमेटिक यूज होगा, जैसे कि ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। तो सम आइडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए और एन, सम आइडियोमेटिक, ये सेकेंड है मेरा, सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड है आइडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए और एन का, सम आइडियोमेटिक यूज करेंगे। तो जो इसमें क्या होगा आइडियोमेटिक यूजेज में, ये संख्या का मात्रा बताने के लिए कुछ खास एक्सप्रेशन का यूज होता है, कोई भी संख्या बताने के लिए या मात्रा बताने के लिए, कोई भी नंबर, संख्या के बोलते हैं नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए, कुछ खास एक्सप्रेशन का जो है, मात्रा बताने के लिए कुछ खास एक्सप्रेशन का यूज होता है। और उस एक्सप्रेशन के पहले जो हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं कि पहले जैसे ए लॉट ऑफ, इस तरह से इसको याद कर लीजिए, एक मतलब एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए, 10 है टोटल, इस तरह का एक्सप्रेशन जो नॉर्मली कंपटीशन में रिपीट होता है बार बार, तो ए लॉट ऑफ, इस तरह से इसको बार बार बोलिए। बोलने से क्या होगा कि आपको इस चीज पे पूरी तरह से कमांड आएगा इंग्लिश में, और इसको आप ऑटोमेटिकली यूज करने लगेंगे। ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, सी है
थर्ड जो देखा जाए तो एक ग्रेट ग्रेट से जितना भी है एक साथ लिख रहे हैं, एक ग्रेट मैनी ऑफ, एक ग्रेट नंबर ऑफ, एक ग्रेट नंबर ऑफ क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, ग्रेट मैनी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, इस तरह से करके और भी बहुत सारा, टोटल 10 है इस तरह का एक्सप्रेशन बताने वाला है एडिमेटिक यूजेज में। ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, और एक और है ए नंबर ऑफ। इस तरह से जो होता है यहाँ पे आगे में ए का प्रयोग होता है इस तरह से। तो ए गुड डील ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, इस तरह का जो भी ऑटोमेटिक आएगा तो उसमें जो है हम लोगों को यूज करना है यहाँ पे। उसमें क्या करेगा कि गुड डील दे देगा, ए छोड़ देगा, तो आपको वहां पे पकड़ना है कि यहाँ पे एक गुड डील ऑफ होगा। उसी तरह लार्ज क्वांटिटी दे देगा कोई सेंटेंस में, उसमें आगे में ए छोड़ देगा। तो इस तरह से करके, या कभी 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 क्या होगा कि एक गुड मैनी लिखने की जगह यहाँ पे ए की जगह यहाँ द दे देगा, तो उसको आपको रिप्लेस करके वहां पे ए लिखना है कि एक गुड मैनी ऑफ होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ होता है, यहाँ द दे देगा, तो वहां पे आप द को हटा के ए लार्ज नंबर ऑफ कर देना है। तो ये सारा जो एडियोमेटिक है इसको अच्छे से 3 बार 4 बार इसको वीडियो को देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए, और उसे मतलब याद कीजिए, इसको बार बार रिवाइज करने से ये आ जाएगा। कुछ और एक्सप्रेशन है जिसमें कि ये एडियोमेटिक यूजेज होता है, इसका बी पार्ट है। कुछ एक्सप्रेशन और है, कुछ अन्य एक्सप्रेशन है जिसमें कि इस तरह का एडोमेटिक यूजेज होता है, जैसे ईट ए हम्बल पाई। इसमें क्या करेगा, ईट द हम्बल पाई लिख देगा या ईट हम्बल पाई दे देगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये क्या होता है, ईट ए हम्बल पाई होता है, ईट द हम्बल पाई नहीं होता है, ईट ए हम्बल पाई होता है। उसी तरह दे देगा इन ए डायलेमा, इन ए डायलेमा, इन ए हरी, इन ए रैग, इन ए मूड, इन ए टेम्पर, एट ए लॉस। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ईट ए हम्बल पाए, इन ए डायलेमा, यहाँ क्या देगा, इन द डायलेमा दे के एरर पूछ लेगा, तो लिखना है क्या, ईट इन ए डायलेमा, इन ए हरी, इन ए रैग, इन ए मूड, इन ए टेम्पर, एट ए लॉस। इसमें और भी बहुत सारा है, हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, हैव अ हेडेक, हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रीम। इस तरह से करके देखते हैं, से हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट, हैव ए वॉक, गो फॉर अ वर्क, हैव अ हेडेक, हैव अ स्लीप, हैव ए ड्रीम।
तो इससे हेडेक के पहले ए का प्रयोग होता है, हैव अ हेडेक होता है, हैव अ ड्रीम के पहले ए होता है, हैव अ स्लीप के पहले ए का प्रयोग होता है। उसी तरह इन ए डायलेमा होता है, ईट ए हम्बल पाई, ये बार बार रिपीट होता है, ईट ए हम्बल पाई, इन ए टेम्पर होता है, इन ए मूड होता है। इस तरह से करके हम लोग इसका यूज देखते रहते हैं। और भी है इसमें सारे, मतलब एक साथ लिख दे रहे हैं ताकि इसको बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आते रहेगा इसमें। फिर है हैव ए चैट, हैव अ क्वारल, क्वारल के पहले ए का प्रयोग हो रहा है, हैव ए चैट के पहले ए का प्रयोग हो रहा है, हैव अ फाइट, फिर मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज होता है, फिर टेक ए रिक्स, टेक ए रिक्स, टेक ए हिंट, फिर है टेक ए मील, हैव अ गुड बैड एजुकेशन, गेट कह सकते हो, गेट या गिव या अवार्ड ए स्कॉलरशिप। तो इस तरह से बहुत सारा है टीसी कर देते हैं इसमें। तो हैव ए चैट, हैव ए क्वारल, हैव ए फाइट, मेक ए नॉइज, टेक ए रिस्क, टेक ए हिंट, टेक ए मिल्क मील, हैव ए गुड बैड एजुकेशन, गेट गिव अवार्ड स्कॉलरशिप, इटीसी। ये सारा जो एक्सप्रेशन है इस पे हम लोग इसमें जिस तरह से प्रॉब्लम पूछा जाता है वो तीन चार प्रॉब्लम देखते हैं इसमें कि किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा इस पे। इसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं, नॉथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलेज टू लॉट ऑफ ट्रबल। नो एरर। इस वाक्य को पढ़िए, नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलेज टू लॉट ऑफ ट्रबल। तो यहाँ पे जो लॉट ऑफ यूज हुआ है इसके आगे हम बताएं, अभी तुरंत बताएं एडियम क्या होता है, ए लॉट ऑफ होता है। या इस वाक्य को एक तरीका से और भी सही कर सकते हैं आप कि लॉट ऑफ की जगह लिख देते हैं लॉट्स ऑफ, तब भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग ये सीखेंगे, अभी एडियोमेटिक एक्सप्रेशन में पढ़े थे कि ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इस तरह का बहुत सारा आइडियोमेटिक है जो कि संख्या था मात्रा बताने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े थे कि ए लॉट ऑफ होता है, ए नंबर ऑफ होता है, ए ग्रेट नंबर ऑफ होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्या है, इसमें गलती है, यहाँ होना चाहिए नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलेजेस टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, ए लॉट ऑफ ट्रबल, या हम लोग लॉट्स ऑफ ट्रबल भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। एक और लेते हैं, इवन द आवर टीम टूक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाय।
तो ये जो है इस तरह से अंडरलाइन किया रहेगा। इसमें जो है आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि दे सकता है इट, इसमें पहला ऑप्शन इसे दे सकता है ए हम्बल पाए, हम्बल पाए, हम्बल पाए, नो इम्प्रूवमेंट, इस तरह का बहुत सारा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और हम लोग क्या पढ़े हैं कि क्या होता है ईट ए हम्बल पाए होता है, क्या होता है, यहाँ पे द का प्रयोग गलत है, यहाँ पे क्या होगा ईट ए हम्बल पाए होगा, ईट ए हम्बल पाए। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं इस तरह का एक्सप्रेशन, ईट ए हम्बल पाए, इन ए हरी, इन ए डायलेमा, एट ए लॉस, हैव ए ड्रिंक, हैव ए रेस्ट, हैव ए वॉक, मेक ए नॉइज, टेक ए रिस्क, हैव ए क्वारल, हैव ए चैट, गेट ए स्कॉलरशिप, टेक ए मिल, टेक ए रेस्ट, इस तरह का बहुत सारा हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ईट ए हम्बल पाए होगा, क्या होगा ईट ए हम्बल पाए होगा, तो यहाँ पे द का प्रयोग गलत है, यहाँ पे होना चाहिए ईट ए हम्बल पाए। अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ए और एन के बीच में डिफरेंस जानने के लिए हम लोग पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट पहले जानते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो पांच वोवेल हैं हम लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट रिमेनिंग जो जितना भी बचा इस पांच को छोड़ के 21 जो बचा ये सारा कॉन्सोनेंट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, के है, इस तरह से करके वाई है, जेड है, ये सब पूरा मतलब ये सब कॉन्सोनेंट है केवल पांच छोड़ के ए ई आई ओ यू। इसके साथ जो है एक होता है स्वर की बात आती है, जिसमें स्वर और व्यंजन दो चीज होता है। स्वर में होता है कि जैसे कि ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ए ओ और इस तरह से करके जो है ये स्वर स्वर है, मतलब इसका जो प्रोनंसिएशन होगा ओ आ ई, इस तरह के अगर जो प्रोनंसिएशन होता है उच्चारण होता है तो इसके आगे जो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। और अगर जो व्यंजन स्वर रहता है, स्वर जो है उसका मतलब इसका जो उच्चारण है, उच्चारण व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है, तो उसमें जो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं व्यंजन ध्वनि में। ऐसे ए ई आई ओ यू ये जो है वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट 21 है। अगर जो अगर उच्चारण जो है स्वर में होता है ओ आ ई, ये सब उच्चारण में आता है ए ए ओ, तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगर व्यंजन ध्वनि उच्चारण करता है तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये मतलब एक डिफरेंस है ए और एन का। तो लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ए और एन के बीच का क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हम बताएं, जैसे कि उदाहरण के लिए ए का प्रयोग क्यों होता है, कॉन्सो ए का प्रयोग जो होता है ए का प्रयोग जो है कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, ए का प्रयोग जो होता है वो किसमें होता है कॉन्सोनेंट साउंड में होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या क्या आता है, जैसे कि ए पेन है, ए बॉक्स है, ए टेबल है। अगर इन तीनों को देखा जाए तो पेन में क्या होता है पो, बॉक्स में क्या होता है बो, टेबल में क्या होता है टो। तो इस तरह से कि देखिए कि ये व्यंजन ध्वनि है, पो बो टो ये सब जो है व्यंजन ध्वनि है, इसलिए जो यहाँ क्या होगा ए का प्रयोग होगा। व्यंजन ध्वनि में हम लोग क्या करते हैं ए का प्रयोग करते हैं, तो ए पेन होगा, ए बॉक्स होगा, ए टेबल होगा, उसी तरह ए कार होगा, कार में क्या होगा को का हो रहा है, तो ये क्या है एक व्यंजन ध्वनि है। तो इस तरह से करके हम लोग जहां जहां कॉन्सोनेंट साउंड होगा, व्यंजन ध्वनि होगा, वहां पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, और जहां स्वर वाला ध्वनि होगा वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग यह है कॉन्सोनेंट साउंड में। अब एन का प्रयोग देखते हैं, एन का प्रयोग कहाँ होगा, तो एन का प्रयोग कहाँ होता है जहां पे कि स्वर ध्वनि है, यानी इसको बोल सकते हैं कि आप वोवेल साउंड जहां पे है, वोवेल साउंड जहां पे होगा वहां पे एन का प्रयोग होगा।
जैसे कि एम ए है, एम ए में जो है एम लिखा जाता है, एम ए, तो एम जो है, ए जो है ये स्वर है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, एन एम ए। उसी तरह अगर मेंबर देखा जाए तो मेंबर में क्या होता है, ये मो हो जाता है मेंबर, तो इसके आगे में क्या लगेगा, ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। यहाँ एम ए में जो है एम पढ़ते हैं, उसी तरह एन एम पी, एम पी में भी देखिए एम हो जाता है, तो इसके आगे एन लगेगा। उसी तरह जैसे कि एक्सरे है, एक्सरे, एक्सरे में क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लिखते हैं, तो ये जो है इसका व्यंजन ध्वनि, इसलिए क्या हो जाएगा, एन एक्सरे। अगर कोई लिखेगा वन वे टिकट मान लीजिए, तो वन के लिए क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, ओ, ये क्या है, एक व्यंजन है, तो इसके आगे ए लगेगा, ए वन वे टिकट होगा, एन एम ए होगा, एन एम पी होगा, एन एक्सरे होगा, ए मेंबर होगा। अगर कोई लिखा हुआ है जैसे कि यूनिक मैन, यूनिक मैन, तो यू को क्या लिखते हैं यहाँ पे, यू लिखते हैं, यू, यू लिखते हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए यूनिक मैन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अम्ब्रेला, ओ लिखते हैं यहाँ पे अम्ब्रेला में, तो इसलिए यहाँ पे एन होगा। तो ये स्वर और व्यंजन ध्वनि से हम लोग ए और एन का डिफरेंस कर सकते हैं। तो हम लोग एक देखते हैं कि इस तरह का किस तरह से इसमें सवाल पूछा जाता है ए और एन पे, एक सवाल देखते हैं इस पे। तो पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिखा रहेगा आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट एफर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कार, और यहाँ पे नो एरर। देखा जाए तो एक्सपेंस, एक्सपेंसिव इसको बोलते हैं, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब ई आता है, ई जो है एक क्या है, स्वर ध्वनि है, तो स्वर ध्वनि है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए नहीं होके यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, एन एक्सपेंसिव कार होगा। उसी तरह एक और लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और ए एडिटर, नो एरर। अगर इसमें देखा जाए तो जो एडिटर है, एडिटर जो है ये किसको क्या बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं, तो ए जो है यहाँ पे एडिटर में ए आ गया, तो ये जो है, ए जो होता है ये जो है स्वर ध्वनि है, इसके आगे ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। तो हम लोग सीधा क्या जाने, ए और एन में अगर स्वर ध्वनि रहेगा तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, अगर व्यंजन ध्वनि रहेगा, कॉन्सोनेंट वाला ध्वनि रहेगा, तो वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से करके आज इतना ही रखते हैं, अब अगले जो है क्लास में हम लोग यूज ऑफ द पढ़ेंगे आज, और उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे, अगले क्लास में यूज ऑफ द पढ़ेंगे, फिर सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं इस क्लास में, और सब्सक्राइब माय चैनल्स, और इसमें जो है हम सारा चीज कवर करेंगे, आर्टिकल्स, वॉयस, नरेशन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, सारा चीज करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक, और कुछ कमेंट भी कीजिए उसमें, बताइए कि मुझे क्या और सुधार करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं इस चैनल से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसमें जो है इम्प्रूव करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यू सी अगेन एंड अगेन दिस वीडियो सो दैट कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच गाय, सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके बाय।